हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल रीजनोमेनिया। कैसे भाई? होपफुली एकदम बढ़िया, एंजॉय कर रहे हैं अच्छे से। आपकी एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो भी चल रही होगी, है ना? वीडियो का बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट एग्जाम लगा हुआ है दिसंबर में, आप जानते हैं 22 से 23 दिसंबर में वो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं अपने में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है वो। अगर आप बहुत ही अच्छे से और सीरियसली अगर वीडियो के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप वीडियो के एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो जो है बेसिकली करंट को कवर अप करती है। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि आज हम जो हम कवर करने जा रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। और इस टॉपिक में हम कवर करेंगे जो ग्रैंड स्लैम्स खेले जाते हैं, जो कि टेनिस के टूर्नामेंट के आप कह सकते हो कि एक हिस्सा होते हैं या फिर टेनिस के टूर्नामेंट्स ही होते हैं। ठीक है, तो उनको आज हम कवर करेंगे। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि भाई फ्रेंच जो ओपन है या फ्रेंच ओपन है उसको किसने जीता, है ना, उसको कौन मेल ने जीता है और कौन सी फीमेल ने जीता है, या फिर आपसे पूछेगा कि विंबलडन जो था उसको किसने जीता। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई विंबलडन जो है वो नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है, तो अब ये कैसे, आप कई सारे नाम है यहाँ पर जो कि आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, कई सारे डिफरेंट डिफरेंट नाम होंगे और नो डाउट थोड़े से कठिन होते हैं याद करने में। नाओमी ओसाका है, एंजेलिक केवर्स हैं, ठीक है, सिमोना हालेप हैं, तो ये कई डिफरेंट थोड़े से नाम और थोड़े से मतलब अजीब होते हैं याद करने में, थोड़ा सा याद नहीं होता, अटपटे होते हैं, बिकॉज काफी ज्यादा अनकॉमन है, नॉर्मली हम लोग यूज नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, ये आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे, बिकॉज जो ये ग्रैंड स्लैम्स होते हैं इनको हर बार यही इन्हीं में से कोई ना कोई जीतता है, आप समझ रहे हैं। तो इसलिए ये तो समझ लीजिए कि रखे हुए हैं, ये चैंपियंस ही हैं, ये हर बार यही होता है, ये तो लगभग चेंज होता ही नहीं है। हाँ, इधर थोड़ा बहुत वेरिएशन दिख जाता है। ठीक है, तो कई सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, बहुत ही अच्छी एक हमारे पास ट्रिक है। और अगर आप सच में वीडियो के एग्जाम के लिए थोड़े से डेडिकेटेड हैं, थोड़े से नहीं बल्कि ज्यादा होना जरूरी है ना, बिकॉज डेडिकेशन बहुत जरूरी है इस टाइम पे आपकी वीडियो के एग्जाम के लिए, प्लीज अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और डेली आपको मैं यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगा कि मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। ठीक है, कहीं से भी कोई भी अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आपके पास कोई प्रैक्टिस सेट है, आप ऑफलाइन कर रहे हैं, जो भी आपको ठीक लगे आप करिए, लेकिन बस पढ़िए। ठीक है, डेली अगर इस टाइम पे अगर आपको लर्न नहीं हो रही चीजें, ठीक है, मतलब कुछ अगर आप नया नहीं पढ़ रहे हैं तो मत पढ़िए, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस जितनी हो पाए उतना करिए। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिस सेट्स, कम से कम दिन के 2 या फिर 3 प्रैक्टिस सेट्स जरूर लगाइए। ठीक है, बहुत हेल्प मिलेगी आपको आगे चल के, और प्लस कई सारे क्वेश्चन उसमें ऐसे होंगे जो आपको नहीं याद होते होंगे, ठीक है ना, या आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़े, तो जब आप उसमें रिवीजन कर रहे होगे या फिर अपना ऑब्जर्वेशन करते हो, जब आप है ना पूरा एनालिसिस करते हो उन पेपर्स का, तो आपको कई सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, फिर भले वो रीजनिंग का हिस्सा हो, वो जीएस हो या फिर वो हिंदी हो। ठीक है, रीजनिंग आप सब कर लेंगे मुझे पता है, जीएस और हिंदी में प्लीज फोकस रहिएगा, राइट, तो बहुत ही ध्यान से करिए। ठीक, तो अब जल्दी से टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए, ग्रैंड स्लैम्स की बात करेंगे जो कि 2018 में हुए, आपकी करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और वीडियो में ये क्वेश्चन आएगा, मुझे उम्मीद है कि आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, तो टेनिस टूर्नामेंट्स हैं, साल में 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट्स होते हैं। ठीक है, साल में कितने होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट्स किए जाते हैं, ठीक है, या फिर कंडक्ट होते हैं। इन चारों का नाम क्या है, देखिए, सबसे पहला जो कि जनवरी के आसपास होता है जब साल की स्टार्टिंग होती है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरा जो होता है वो होता है बच्चों फ्रेंच ओपन। दूसरा क्या होता है, फ्रेंच ओपन होता है। ठीक है, या आप मान के चलो भाई लमसम मार्च के आसपास कंडक्ट कराया जाता है। फिर होता है नेक्स्ट विंबलडन। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, विंबलडन, या आप मान लीजिए कि सेप्टेम्बर के आसपास रहता है। और चौथा जो होता है दैट इज यूएस ओपन, ये ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर के आसपास कंडक्ट कराया जाता है। तो ये टोटल 4 जो होते हैं ये टेनिस टूर्नामेंट्स कंडक्ट कराए जाते हैं पूरे साल भर के अंदर। ठीक है, जो कि क्या होता है, अगर इन चारों को कोई जीत लेता है, मान लीजिए कोई एक बंदा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि नोवाक जोकोविच, ठीक है, तो नोवाक जोकोविच जिन्होंने 2 तो जीत रखे है ना, और इन दोनों में भी इनकी रैंक जो थी वो ऑलमोस्ट मान लीजिए सेकंड थर्ड पे आए थे, तो अगर ये नोवाक जोकोविच ये चारों के चारों जो टूर्नामेंट्स है टेनिस के ये जीत लेते, तो इन्हें कहा जाता कि इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। आप समझ रहे हैं, ग्रैंड स्लैम का मतलब होता है इन शॉर्ट ये चारों के चारों टेनिस टूर्नामेंट्स। तो जो व्यक्ति ये चारों के चारों जीत लेता है उसे कहते हैं कि भाई ये ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, समझ रहे हैं। तो जो हाँ, लेकिन कंडीशन ये है कि चारों के चारों आपको जीतने पड़ेंगे। मान लीजिए आप 3 जीतते हैं, 1 नहीं जीतते, फिर ये नहीं कहेंगे कि आपने ग्रैंड स्लैम जीत लिया, नहीं, ग्रैंड स्लैम तभी कहेंगे जब आप चारों जीत लोगे। ये तो पॉइंट क्लियर हो गया। पर नोवाक जोकोविच ने 2 जीते हैं, 2 नहीं जीत पाए, कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं।
तो ये चार होते हैं जो कि आपको याद करने हैं, राइट। इसके बाद देखिए कुछ और बातें होती हैं, ये भी पूछी गई हैं। जैसे आपसे पूछा गया एक क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन जो होता है वो कहां पर खेला जाता है। चार आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि भाई वो जो होता है वो क्ले के कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है, या फिर वो ग्रास यानी कि जो घास का मैदान है उस पर खेलते हैं, ठीक है, या फिर वो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, या फिर वो इंडोर गेम्स है, वो कैसी चीजें हैं, वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो याद रखिएगा फ्रेंच ओपन हमेशा किस पे खेलते हैं, क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। ये मिट्टी का एक कोर्ट होता है, क्ले का कोर्ट होता है, उस पर ये खेलते हैं, ठीक है। कौन सा गेम खेलते हैं जल्दी बताओ, तो फ्रेंच ओपन खेलते हैं, ठीक। इसके बाद देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो सबसे, याद रखिएगा, देखो आप जानते हैं कि जनवरी में, मैंने आपको बताया ना कि ऑस्ट्रेलियन ओपन ये लगभग जनवरी में होता है, और जो यूएस ओपन होता है ये भी ऑलमोस्ट मान के चलो नवंबर और दिसंबर में होता है, ठीक है। तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं पहले और चौथे की, जरा ध्यान से समझिएगा। अच्छा, ये इसी क्रम में होते हैं, ध्यान रखना, ये मैंने सीरियल मेंटेन, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन होता है, ऑस्ट्रेलियन के पास दूसरे नंबर पे फ्रेंच होता है, ठीक है, तीसरे नंबर पे फिर विंबलडन होता है, और फिर चौथे नंबर पे यूएस ओपन होता है। ये चारों इसी सीरियल में कंडक्ट कराए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन जो हमारी ट्रिक है ना वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगी, उसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सब आपको याद हो जाएंगे, परेशान मत होइए, ठीक। तो ये चीज हमने यहाँ पे पढ़ ली। अब एक बात बताओ, अगर हम साल में सबसे पहले बात कर रहे कौन सा हो रहा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो जनवरी के टाइम पे, आप जानते हो जनवरी में बहुत ठंड पड़ती है, ठीक है। तो अगर ठंड पड़ती है तो हमारे लिए काफी हार्ड होता है वो महीना, है ना, हम ठंड को झेल नहीं पाते, काफी हार्ड होता है। दूसरी चीज आप ध्यान रखिएगा कि यूएस ओपन भी कब होता है, नवंबर दिसंबर। आप अभी देख रहे हो अभी से ठंड पड़ना स्टार्ट हो गई है, जैसे ही नवंबर खत्म होगा या दिसंबर की स्टार्टिंग होगी ठंड और बढ़ जाएगी। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई ये जो आखिरी वाला ओपन है ये भी कब हो रहा है, ठंड के मौसम में हो रहा है ना, ये समय पे विंटर्स चल रहे हैं, तो ये भी जो महीना है वो हमारे लिए कैसा है, बहुत ज्यादा हार्ड है। तो अगर ये दोनों हार्ड हैं हमारे लिए तो ये दोनों कहां पर होते हैं, याद रखिएगा हार्ड कोर्ट पर कंडक्ट कराए जाते हैं। क्लियर हो गया, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, याद करने में ही तो आपको बस एक ट्रिक की नीड होगी, वो हमने आपको दे दी, ठीक है। अच्छा फ्रेंच ओपन, ठीक है, फ्रेंच ओपन किस पे होता है, क्ले पे होता है, ठीक है ना। और उसके बाद विंबलडन, विंबलडन में हो गया तो आप कहां पर कर रहे हो, आप उसको ग्रास कोर्ट में कर रहे हो, कहां पर कर रहे हो बच्चों, ग्रास कोर्ट यानी कि जो घास का मैदान होता है उस पर करते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे तो क्लियर हो गया। नॉर्मली आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि भाई जो ग्रास होती है, घास होती है, उसको चरने वाले एनिमल्स कौन से हैं, जैसे गाय है, भैंस है ना, सांड है, बैल है, तो ये सब काफी बलशाली होते हैं। कैसे होते हैं, काफी बलशाली होते हैं। तो बेटा बलशाली होते हैं तो बल किस में आ रहा है, विंबलडन में आ रहा है। मतलब विंबलडन कहां खेला जाएगा, ग्रास के कोर्ट पे खेला जाएगा, ठीक है। तो होपफुली आपको ये चारों तो क्लियर हो गए होंगे, राइट। अब हम जल्दी से देखते हैं कि भाई ये टूर्नामेंट्स कौन कौन जीता है। देखिए सबसे पहला जो टूर्नामेंट होता है दैट इज ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता है किसने, रोजर फेडरर ने, ठीक है। ये मेल, याद रखिएगा बेटा, मेल और फीमेल दोनों में ये कंडक्ट कराए जाते हैं, ठीक है, दोनों के लिए होते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन मेल्स का जो है वो रोजर फेडरर ने जीता है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो फीमेल्स का है वो जीता है किसने, कैरोलिना, ठीक है, वोज़नियाकी, कैरोलिना वोज़नियाकी, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। दूसरा अगर आप देखोगे तो फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन की अगर बात करी जाए, मैंने आपको बताया था कहां पर खेला जाता है, क्ले पे, है ना। तो फ्रेंच ओपन जीता है बेटा राफेल नडाल ने, किसने जीता, राफेल नडाल ने जीता है। और इसके बाद ये फीमेल्स का जो है वो जीता है सिमोना हालेप ने, किसने जीता है, सिमोना हालेप, ठीक है, ये भी याद हो गया। फिर देखो तीसरे नंबर पर जो खेला जाता है दैट इज विंबलडन, ठीक है, तो विंबलडन खेला जाता है, इसको जीता है नोवाक जोकोविच ने, ठीक। और इसके बाद इसकी जो फीमेल विजेता है वो है एंजेलिक केवर्स, ठीक है, एंजेलिक केवर्स, इस बात को भी आप ध्यान रखें, तो एंजेलिक केवर्स हो गए यहां पर, ठीक। इसके बाद देखो चौथे नंबर पर जो लास्ट होता है दैट इज यूएस ओपन, कौन सा होता है बच्चों, यूएस ओपन होता है, तो यूएस ओपन जीता है नोवाक जोकोविच ने ये भी, और नाओमी ओसाका जो है उन्होंने फीमेल्स का जो यूएस ओपन है उसको जीत लिया। क्लियर हो गया, तो होपफुली आपको ये पूरी टेबल तो अच्छे से क्लियर हो गई होगी, है ना। अभी याद नहीं होगी मुझे पता है, लेकिन कम से कम ये तो क्लियर हो गया ना कि भाई कौन क्या जीता है, आप देख के तो बता सकते हैं ना, आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। टोटल अगर देखा जाए तो मेन जो हमारा मूड पॉइंट है इस वीडियो को पढ़ने का वो ये है कि हमको ये सारे के सारे याद हो जाए, ठीक है ना। अब ये याद करने के लिए हमें नीड होगी नो डाउट एक ट्रिक की, और यकीन मानिए ट्रिक बहुत अच्छी है, ठीक है। आपको यहां पर देखिए एक कार्टून दिख रहा होगा, है ना, थोड़ा सा मेरी ड्राइंग गंदी है तो थोड़ा सा आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, खैर समझने के लिए, ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिए। मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी सुना रहा हूं, उस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा बेटा। इस बच्चे का नाम क्या है, देखो इस बच्चे का नाम है जेजे, इस बच्चे का नाम क्या है, जेजे, ठीक है, इसका नाम हो गया जेजे। ये जो जेजे है ना, ये टेनिस टूर्नामेंट्स का बहुत बड़ा फैन है, ये टेनिस टूर्नामेंट्स का बहुत बड़ा फैन है। ये जितने भी ग्रैंड स्लैम साल भर में कंडक्ट कराते हैं, ऐसा कोई ग्रैंड स्लैम नहीं होता, या ऐसा ग्रैंड स्लैम या टेनिस टूर्नामेंट कोई नहीं होता जिसको ये ना देखता हो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा फैन है। तो बेटा अगर ये फैन है टेनिस टूर्नामेंट का, कौन, जे जे, तो इसका नाम हो गया क्या,
इसका नाम हो गया बच्चों फैन जे जे, इसका नाम क्या हो गया फैन जे जे, क्लियर हो गया। तो अब ये अगर फैन है तो इसका नाम हो गया फैन जे जे, ठीक। इसके बाद देखो, अब ये फैन जे जे जो था, जब ये ऐसे ही घर से बाहर निकला तो इससे लोगों ने ये पूछा कि यार आप तो बहुत बड़े टेनिस टूर्नामेंट के फैन है ना, तो अब ये जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं आप जरूर देखते हो, तो इस बार जो 2018 के आपने टेनिस टूर्नामेंट सारे देखे, ये आपको कैसे लगे, आपका एक्सपीरियंस कैसा लगा, आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, कुछ उसके बारे में आप बताइए, है ना। तो बहुत ही फीके मन से बोलता, बहुत ही एक मतलब बेमन से बोलता है कि यार ठीक ही थे, है ना। जेजे ने क्या कहा, जेजे ने कहा यार ठीक थे, ओके थे। तो जेजे ने क्या बोला है, ओके थे। तो देखो जेजे ने कहा बच्चों, क्या कहा, जेजे ने कहा कि भाई ओके थे। देखो फैन था जेजे, और जेजे से जब पूछा गया कि भाई टेनिस टूर्नामेंट्स आपको कैसे लगे, तो जेजे ने क्या कहा, जेजे ने कहा ओके थे यार, ओके टाइप्स थे, ठीक है ना। इतना कुछ खास अच्छे भी नहीं थे, इतने बुरे भी नहीं थे, है ना, ओके थे। तो बस यही हमारी ट्रिक है, ठीक, यही जो आपको दिख रहा है फैन जेजे कहे ओके, यही हमारी ट्रिक है, ठीक है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देखिए, इसको आखिरकार हम यूज कैसे कर रहे हैं, अब आपको वो चीज ध्यान से समझनी है। देखिए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब यहीं पे थोड़ा सा झोल होगा, समझ रहे हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ट्विस्टिंग मिलेगी, ये ऊपर नीचे थोड़ा सा होने वाले हैं, ठीक है। देखो हमें यहाँ पर बच्चों क्या करना है, हमें यहाँ पर करना है कि हम इसको अरेंज करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, किसको, ये जो टेनिस टूर्नामेंट्स होते हैं सारे उनको। देखो सबसे पहले अगर हम ऑस्ट्रेलियन की बात करें तो बेटा ऑस्ट्रेलिया की स्टार्टिंग कहां से होती है, ए से होती है। फ्रेंच की बात करें तो इसमें एफ होता है ना, विंबलडन में कौन होता है, डब्ल्यू होता है, ठीक है, और यूएस ओपन में क्या होता है, यूएस होता है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इनको, ये इनके स्टार्टिंग के अल्फाबेट्स है ना, इनके नाम के स्टार्टिंग के अल्फाबेट्स हैं, अगर मैं इनको अरेंज करूं डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, कैसे, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, तो बच्चों सबसे पहले क्या आने वाला है, ध्यान रखिएगा बच्चों, सबसे पहले आने वाला है ऑस्ट्रेलियन ओपन। क्या आएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन आएगा। इस बात को मेरे ख्याल आप समझ पाएंगे बहुत ही अच्छे से, ठीक है। ये चारों के चारों जो टूर्नामेंट्स हैं वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें लगाने हैं, सिर्फ ये जो टूर्नामेंट्स है ना हमको बस इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले ए हो गया, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर नो डाउट फ्रेंच आएगा, इसमें भी कोई इशू नहीं है, फ्रेंच ओपन आएगा, लेकिन तीसरे में देखो पहले क्या आता है, यू या डब्ल्यू, पहले यू आता है, यानी कि तीसरे नंबर पे आ जाएगा बच्चों यूएस ओपन, और फिर आ जाएगा विंबलडन, यानी कि डब्ल्यू, क्लियर हो गया। तो ये सब हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मेंटेन कर लिए। अब यहीं से आपको चीजें और समझनी है, उसको जानिए। ये जो हमने लिखा है ना फेन जे जे कहा ओके, तो फेन जे जे ने जो कहा ओके इसको हम लिख लेंगे। देखो बेटा यहां पे हम लिख रहे हैं सबसे पहले फे, आप देखिएगा ध्यान से, फे न लिख लीजिए यहां पर, जे जे यहां लिख लीजिए, हा तो क लिख दिया, उसके बाद लिख दीजिए हा, उसके बाद लिख दीजिए ओके, ठीक है। आप ये अगर लिख लेंगे आपको यकीन मानिए सारे के सारे लर्न हो गए, ठीक है। आप ध्यान से इसको समझिए कि हम याद कैसे कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेल, ये पहले वाला मेल का है, दूसरा वाला फीमेल का। बेटा देखो फे, फे से क्या आ रहा है, फेडरर। देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन में क्या आ रहा है, फेडरर आ रहा है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन की फीमेल में कौन है, क, तो क से क्या होता है बताओ, क से होता है बेटा कैरोलिना, ठीक है, वोज़नियाकी, समझ रहे हैं, कैरोलिना वोज़नियाकी, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा देखो बच्चों फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन में कौन आ रहा है, न, तो न से होता है बेटा नडाल, न से क्या होता है, नडाल होता है, ठीक है, तो नडाल होता है, न के बाद कौन है, हा, हा से बच्चों क्या होता है, हालेप होता है, ठीक है, जब नाम आएगा तो पूरा ही आएगा, नो डाउट, ठीक है ना, तो आप बड़े आराम से उसको पिकआउट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा यू, यू से क्या होता है बच्चों, यूएस ओपन, तो यूएस ओपन में आ रहा है जे, तो जे से क्या होता है बच्चों, यूएस ओपन में देखिए नोवाक जोकोविच, जे से कौन होता है, जोकोविच होता है, क्लियर हो गया। इसके बाद बगल में देखो ओ, ओ से क्या था, ओसाका, याद है, तो नाओमी ओसाका, तो ओ से हो गया बच्चों ओसाका, तो यूएस ओपन आपको याद हो गया, जे से था जोकोविच और ओ से कौन था, ओसाका, क्लियर हो गया। फिर देखो लास्ट, लास्ट है विंबलडन, तो विंबलडन में भी जे है, तो विंबलडन में भी क्या आएगा भाई, जोकोविच तो आएगा ही आएगा। इसके बाद देखो के, के से क्या था बेटा, के से था केवर्स, ठीक है, के से क्या था, केवर्स। हो सकता है आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको कर लीजिएगा, बिकॉज वहां पे कैरोलिना है, यहाँ पे केवर्स है, ठीक है। तो मेरे ख्याल इतना तो आप यहाँ पे याद कर ही सकते हैं, थोड़ी सी चीजें आपको समझ में अगर आ गई तो, राइट। तो देखिए अच्छी ट्रिक है, ठीक है, और अगर आपको ये समझ में आ रही है तो भाई थोड़ा सा इस वीडियो को एक बार लिखिए जरूर पहले तो, ठीक है, जो भी मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है उसके नोट्स बनाइए, और अगर आपको एक ही बार में याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप वीडियो को दोबारा एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, और नोट्स प्लीज बनाते रहिएगा। जितनी भी इससे पहले की जो वीडियोज हैं वो आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है, इस चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहां पर वीडियो के लिए जो स्पेशल 2018 की कई सारी वीडियोज हैं वो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी हैं, ठीक है, वो मैंने प्लेलिस्ट में आपको शेयर भी कर दी हैं, करीब नहीं तो
20-22 वीडियोस वहां पर पड़ी हुई हैं, ठीक है, आप उनको जरूर एक्सेस करिए। और अगर आप नए विजिटर हैं, ठीक है, चैनल पर, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लगा है। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस अगर आप आगे चाहते हैं तो जो बेल आइकॉन है उसे जरूर प्रेस करिएगा, ठीक है, तभी आपके पास आने वाली जो अपकमिंग वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा, राइट। तो भाई अगर ये आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करो यार, ठीक है। जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट पार्ट के साथ, स्टे विद अस, थैंक यू।